जब शहनाज गिल घर की कप्तान थी तो उनकी कप्तानी में घर के सभी सदस्यों ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। उन्होंने जो भी काम घर वालों को दिया उन्होंने करने से इनकार कर दिया। एंड इवन शहनाज के साथ बहुत सारे पंगे भी लिए, जहां पर उनकी कप्तानी वाकई काफी यादगार रही क्योंकि घर वालों ने उन्हें इतना परेशान किया। ना सिर्फ घर वाले बल्कि बिग बॉस भी उन्हें परेशान करते हुए नजर आए। दरअसल जिस हफ्ते में शहनाज गिल कप्तान थी उस हफ्ते में घर वालों ने बहुत ज्यादा नींदें ली हैं, और इस दौरान जब घर में नींद ली जाती है यानी कि कोई सदस्य जब दिन के वक्त में सोता है तो घर में बजता है कुकड़ू को। और बिग बॉस पहले तो सीरियस वे में कुकड़ू को बजाते हुए नजर आए, लेकिन जैसे जैसे शहनाज गिल को वो परेशान देखना शुरू करते हैं वो भी उन्हें परेशान करने में लग जाते हैं और घर के किसी भी कोने में कुकड़ू को बजाना शुरू कर देते। और शहनाज गिल भागते हुए हर कोने में जाकर ढूंढती हुई नजर आती, आखिर कौन इस घर में वो सदस्य है जो सोया हुआ है। इस तरीके से बाकी घर वाले भी इस चीज पर डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं कि अब तो बिग बॉस भी शहनाज को परेशान करने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बिग बॉस शहनाज को परेशान नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जब कोई घर वाला सो जाता है तो दो बार कुकड़ू को बजता है, एक बार उस सदस्य के लिए जो सो रहा है और दूसरी बार कप्तान के लिए जहाँ पर वो बैठा होता है। इस बात को लेकर घर वालों के बीच में कंफ्यूजन होता है। रश्मि देसाई, आसिम रियाज और आरती के बीच में इस चीज को लेकर काफी बातें होती है। एंड फाइनली ये बात क्लियर हो जाती है कि पहला कुकड़ू को सोने वाले सदस्य के लिए होता है और दूसरा कुकड़ू को कैप्टन के लिए होता है जहां वो बैठा होता है। और इस तरीके से शहनाज गिल को बिग बॉस परेशान नहीं कर रहे थे, बस उन्हें बता रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें जाना है और उस सोए हुए इंसान को जगाना है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।